माँ बाप के घर रहेंगे ना तो मेकअप भी नहीं करेंगे, पति के घर ये सब मैंने खड़े होता ये खड़े होता हिल रहा है यार ये। दोस्तों नमस्कार, मैं राज और ये सिमरन, आप दोनों का न्यू व्लॉग में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम देवभूमि हरिद्वार में हैं और शांति कुंज में रहते हुए हम पूरे की दिनचर्या को फॉलो करते हुए और थोड़ा थोड़ा बाहर घूम भी ले रहे हैं तो ब्लॉग को बना भी रहे हैं। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह आए थे हवन करने के लिए, यहाँ पीछे के साइड में यहाँ पे हवन हो रहा है पूरा जो आपको दिख रहा होगा। तो हवन की शॉर्ट्स और वीडियो तो आपको फिर मिल चुकी होगी या फिर आपने पहले के ब्लॉग में देख ली होगी। हवन कर लिए, अब थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता करने के लिए मैं हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर सेट करो, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा, कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इतना ही कर लेते हैं यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं आगे। वो अब हम जा रहे हैं शांति कुंज से, जा रहे हैं मतलब शांति कुंज से नहीं जा रहे हैं, वैसे जा भी रहे वैसे नहीं भी जा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है। तो अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश, हम दोनों रेडी हो चुके हैं। मैं कितना अच्छा बच्चा लग रहा हूँ रेडी होके, और ये मास्क लगे घूम रही है क्योंकि उन्होंने वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई है। अच्छा, मजाक कर रहा भाई, सीरियस उस मत ले लेना कोई भी, वैक्सीन दोनों को लग चुकी है कम्प्लीटली। अभी गेट तक जा रहा है, गेट पर जा करके फिर मैं भी मास्क पहन लूँगा, मेरी ये गले में उसी में लगा लेता हूँ मैं तुरंत। तो निकल गए ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश जाते हैं घूम करके आते हैं। ऋषिकेश के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी जगह होंगी ना, और जो लगेगा कि भाई मेरे माध्यम से या इनके माध्यम से आप तक पहुँचनी चाहिए ना, तो सारी की सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। उसके लिए भाई जा भी उसी के लिए रहे और किस लिए जा रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं। बस मैं यहाँ पे क्या है शांति कुंज के अंदर कि भाई गेट से निकलते ही मेन रोड से निकलते हैं सीधे रोड है, और वो रोड ही बहुत मतलब है ना, आपको ये नहीं कुछ और परेशान होना इधर उधर है, ऋषिकेश आगे की जितनी भी जगह है आप आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो। तो चलती मेन रोड पर मिलते हैं आपसे। तो इधर पीछे हरिद्वार है और इस तरफ में ऋषिकेश है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रोड तो भाई साहब बहुत लाजवाब बनी हुई है इसमें। तो चलते हैं, ऑटो को वेट करते हैं, ऑटो आएगा ऑटो वाले से मिलेंगे, उसको अपना दुखड़ा बताएंगे कि हमको ऋषिकेश पहुंचा दे, वो हमको अपना ऋषिकेश पहुंचा देगा। अब काम रोड क्रॉस करने का। ऋषिकेश जाओगे? ऋषिकेश बाजार से लक्ष्मण झूला राम झूला कितनी दूर है? वहाँ से है 2.5 किलोमीटर। और लक्ष्मण झूला जाएंगे तो लक्ष्मण झूला चले जाओ डायरेक्ट सेवा। कितने रुपये लोगे आप? वही बुकिंग में जाते हैं 300 रुपये पड़ेगा। वैसे नहीं जाना ऋषिकेश, कितने रुपये पर सवारी? तो मैं तो बैठ जाऊँगा, वो का बैठेंगे। से उतर के आगे की यात्रा हमने शुरू कर दी है और व्यू आपके सामने है। मेरे को शॉपिंग के लिए मना करते, खुद देखो भी शॉपिंग कर रहे हैं। ये मैंने लिया है, लिया है। ये है मूनस्टोन टू वाइप आउट दी नेगेटिव एनर्जी। राधा श्री कृष्ण मंदिर लक्ष्मण झूला मंदिर दर्शन अंदर जाने के लिए रास्ता, मतलब समझ में नहीं आया। चलो इधर चलते हैं लक्ष्मण झूला के लिए रास्ता। धन्यवाद, इधर से ही रास्ता। तो आ गए हैं लक्ष्मण झूला के लिए।
शॉपिंग शुरू हो गई, अभी मुझे जान दे रही थी थोड़ी देर पहले, अब खुद कर रही है शॉपिंग। पर दिखा नहीं मुझे कहीं पे। मैं पुरुष लोग लड़कियों को तो देखते ज्यादातर, नहीं मैं सीधी बात है जो सच है वो सच है। तो लक्ष्मण झूला के लिए जा रहे हैं अभी, और ऐसे शॉर्ट शायद शॉर्ट रास्ता है जो भी है, पहली बार है तो जैसे रास्ता जा रहा है वैसे जा रहे हैं। ये तो खैर यूजेबल है, सब यूज करके है, यूज करवा करके फिर यहीं छोड़ के चले। ये तो पहले चलते थे वो तब के हैं, चलो भाई कम से कम पुराने जमाने से सिक्के भी देखे हमने। वैसे लक्ष्मण झूला का रास्ता किस तरह है? इधर से, धन्यवाद। तो ये है लक्ष्मण झूला, यार मैं सोचता था बहुत बड़ा है तो बहुत वैसा है छोटा सा है, और हाँ इसमें काम कितना चल रहा है इसमें, अरे पत्थरों का। हम जो चीज़ें सोचते हैं ना, क्या सॉरी, हम जो चीज़ें सोचते हैं ना, सोचो इसके लक्ष्मण झूला को कवर करने में कितने लोग लगे हुए हैं, इसको तोड़ करके बना बुना करके सही कर रहे हैं। हमारे लिए मैंने कुछ समय के लिए कुछ मोमेंट के लिए बात देखी थी, पर इसको संभालने के लिए ना काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। तो चलिए चलते हैं लक्ष्मण झूला पे। हाँ हाँ आगे निकल जाए, यहाँ खड़े होता ये खड़े, अरे हिल रहा है यार ये, देखो सबसे प्यारा इसमें बस पानी लग रहा है, पानी का कलर दिख रहा है, ये रियल कलर है, मतलब ये नहीं कि कोई फिल्टर वगैरह, रियल कलर है, ऐसा ही दिख रहा है पानी यहाँ पे। थैंक्स टू कोरोना, हाँ पानी के लिए, ब्लू पानी कोरोना के कारण दिख रहा है, तो पता नहीं था कैसा दिख। लक्ष्मण झूला कवर कर लिया, हाँ आगे बढ़ लेंगे, अब चल रहा है रामझूला के लिए या फिर और कुछ जो जगह होगी देखने लायक वहाँ पहुँचेंगे। पत्थर पे बैठो ना, गर्मी में आएंगे तो करेंगे, ठंड में नहीं, बस की बात है। गिर गया पानी तो भाई सब जम जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए अपना लक्ष्मण झूला का ट्रिप कंप्लीट, लक्ष्मण झूला हमने देख लिया, बहुत मन था पहले, पर हाँ ये है कल मैंने माता रानी से माना कि मैं कल जाऊँ तो कम से कम मौसम ठंडा रहे, तो माता रानी ने कर दिया, इसी बात पर जी बोलो जय माता की जो है। चलिए भैया चने खाते रहो, घोड़े घोड़ा घोड़ा रुको, अच्छा
बहुत पुराने टाइम के अंदर गांव वगैरह या छोटी छोटी गलियां होती थी, बिल्कुल वैसा ही व्यू है यहाँ पे इस टाइम पे। बारिश हो गई थी तो अब जंगल भी है। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली, नहीं तो पहले बहुत प्यारा हो रहा, मतलब धूप ही नहीं थी शुरू में। यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है। हाँ, कोशिश करिए आप जब भी आते हो तो सबसे पहले आप लक्ष्मण झूला, राम झूला पे जाएं, वहाँ पे आपको ना बहुत कम पैसे में वहाँ पहुँच जाओगे आप। और उसके बाद फिर आप लक्ष्मण झूला से, सॉरी राम झूला से लक्ष्मण झूला पैदल पैदल चले जाओ, ये रास्ता उसके बीच में ही पड़ता है। जब आप राम झूला से लक्ष्मण झूला जाओगे तब, या लक्ष्मण झूला से राम झूला जाओगे, तो दोनों तरफ में एक ही रास्ता यूज़ होता है। बड़ी विडम्बना है, बहुत समस्या है भाई, एक ही रास्ता क्यों यूज़ होता है। इधर देखना, अभी थोड़े पहले जूस पी थी, अभी चटर चटर का चल रहा है, फिर भी बोलेंगे मुझे तो भूख लग गई है, मुझे और खिलाओ। खाओ ना। नहीं खाओ, उसने मना किया। आपके पिताजी ने भी आपको फीस तो भेजा मेरे पास में, खर्चा उठाओ। तो नॉर्मली क्या है, माँ बाप बच्चे की बाल के बड़ा कर देते हैं, उन्होंने भेज दिया है, वहाँ पे थोड़ा कम खिलाया तो पतली थी, यहाँ करके ज़्यादा खा रही तो मोटी होती जा रही है। देख लो, मैं कभी मैं हम ही करें, मुँह देख लो मेरा, मेरा कैसा काला काला मुँह है। इधर देख लो, दूध मलाई तो वाइट है, तो मैं कभी हम ही करवाएं। मैं रियल में गोरी हूँ। फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर झूठे, फिल्टर लगा रखा है, देख रहा मैं गोरा दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा ना गोरा, इन्होंने फिल्टर लगा रखा है। क्या फिल्टर लाके घूम रही है ऐसे, मलाई जैसे आता है फिर चिपक जाता है ऊपर से, एक तरफ फिल्टर आ रहा है एक तरफ फिल्टर नहीं आ रहा है। वो फोन है ना, फोन के अंदर सब सेटिंग कर रही है इन्होंने, से ऐसा कुछ सेट कर देते नहीं है कि भाई ये गोरे दिखते हैं मैं काला दिखता हूँ। क्या वहाँ पे मेकअप, और हाँ माँ बाप घर रहेंगे ना तो मेकअप भी नहीं करेंगे, पति के घर पहुँचते ये ले भाई साहब 5,000 की, कुछ नहीं करती वहाँ पे। जैसे अपने ससुराल में पहुँचेंगे, मेकअप की चीजें चाहिए, हमें ये ला के दो, हमें वो ला के दो, हमारा ऐसा हमारा वैसा करना पड़ता भाई, क्या करें, नहीं करेंगे तो फिर वही खाना नहीं मिलेगा। आपका भी दर्द हो तो बता देना, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बोल पे सेट करके जरूर जाना। हाँ, हमारे आग बोलते हैं, आग का पेड़ होता है उसमें गणेश जी निकलते हैं, पुराना हो जाता है। और पता है क्या है इसका, क्या सीन है कि हर पेड़ में गणेश जी निकलने ही निकलने हैं, आग के पेड़ में, आग के पेड़ में। जब की इच्छा थी और आगे बनाए तो दे देंगे, लेने ही है। लग दो अपने अपने बच्चे के लिए नहीं है। बचपन में किसने किसने चलाया ये, बस उन्होंने चलाया क्या आपने, तो मुझे बताइएगा जरूर, मैंने भी चलाया बताऊंगा, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मोमबत्ती जला के करते थे, मेरा आज तक ये समझ नहीं है कि चलता कैसे है, पर हाँ चल जाता है ये। चलिए चलते हैं आगे, तो ये चल दिया आगे आगे, ये पीछे पीछे में आगे हम राम झूला पे। पहुँच गए भैया, ये राम झूला था क्या है और आगे भी रहेगा। वो था लक्ष्मण झूला, ये है राम झूला, और वो सीता वाला झूला। हाँ सीता से भी कभी चलेंगे, चले चलो अंदर। मैं वहाँ जाने सोचा था वो बंद है, यहाँ खड़े हो, यहाँ से यहाँ से फोटो ले लेता हूँ। तो सीता फिर पुल पे जा रहे थे तो बीच में शंकर जी की प्रतिमा दिखी, तो मैंने कहा भाई शंकर जी की प्रतिमा को तो देखना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पे अल्टीमेट व्यू हो रखा है।
अगर आपको याद होगा तो त्रासदी का समय आया था यहाँ पे हरिद्वार में, जब तो बहुत पानी आ गया था, तो जो सामने शंकर जी दिख रहे हैं ना, ये पूरे पानी में डूबे हुए थे, बहुत कुछ तबाह हुआ था, पर शंकर जी की मूर्ति वैसे की वैसे ही रह गई अपनी जगह पे, एक इंच नहीं हिली अपनी। तो देखो कहते हैं ना कि भगवान में शक्ति है, कुछ कुछ जगह पर प्रूफ हो जाता है वो, आप कितना मानते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, सीता सेतु। हाँ सीता सेतु पे अभी वहाँ का नज़ारा है पूरा का पूरा, सामने दिख रहा है ये सीता सेतु है। पानी यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रियल कलर देखने को मिल रहा है पानी का, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। बोल रहा ना कि पानी चढ़ जाएगा, बारिश हो रही है तो बारिश से आगे का पानी सब इसी में आ जाएगा।